हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका किचन। आज मैं एक नई रेसिपी बनाने जा रही हूँ। चूंकि लॉकडाउन है, आप सब स्वीट खाने को तरस गए होंगे, तो अपने घर में खुद से बनाइए और खाइए। बहुत स्पेशल और अच्छी सी डिश है ये, तो आप मेरी पूरी वीडियो देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और रेसिपी जानिए। मैं नाम बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। लौकी की मिठाई के लिए सबसे पहले हम ये बॉटल गार्ड जो होती है, पतली लंबी वाली लौकी, उसको हम धुल के छील लेंगे। फिर उसको हम जो उसका पतला पॉइंट होता है टिप साइड का, उसे हम कट कर लेंगे। फिर इन्हें हम ऐसे पतले रिंग शेप में, स्लाइसेस में कट कर लेंगे। ये हमने बॉटल गार्ड के सारे रिंग्स कट कर ली हैं। अब हमें इनके अंदर से ये जो इसका पल्प होता है, उसे हमें इस तरह से नाइफ की हेल्प से निकाल देना है, इस तरह से, जिससे रिंग्स आ जाएं। ये सारे रिंग्स हमारे लौकी के रेडी हो गए हैं। ये देखिए, इस तरह से सब हमने क्लियर कर लिए। अब हम इसको उबालेंगे पानी में। अब हम एक भगोने में 1.5 से 2 ग्लास पानी गरम करेंगे। पानी हमें इतना लेना है कि हमारी ये लौकी की जो रिंग्स हैं, ये अच्छे से डूब जाएं और पक जाएं। फ्रेंड्स, एक चीज और है, आपका जो फूड कलर है वो ऑप्शनल है। तो चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास इस समय फूड कलर नहीं है, तो आप उसके सब्स्टिट्यूट में बेकिंग सोडा 1/2 स्पून डाल के एक उबाल आने दें, उसके बाद आप इन रिंग्स को डालेंगे तो उससे कलर में ब्राइटनेस आती है, तो ग्रीन कलर थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा यूज करूंगी। पानी में अब उबाल आने लग गया है, तो अब हम इसमें 1/2 स्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम करके ये लौकी की सारी रिंग्स को इसमें डाल देंगे। अब हम इसे 5-6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और इसका लिड लगा देंगे। अब हम इसके डिपिंग के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए हमने ये 1 बाउल शुगर या चीनी लिया है, और अगर उतना हमने चीनी लिया तो इसका 1/2 हमें वाटर ऐड करना होगा। ये हमारी चाशनी जो है ऑलमोस्ट बनने को है। चाशनी में हमें 1 या 2 तार की कोई चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ 3 से 4 उबाल ही इसमें लाना है और उसके बाद हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है, आप देखिए इस तरह से। हमें जो है टोटल 5 मिनट्स लगे ये चाशनी बनाने में। तो अब हम इसको उठा के एक साइड में रख दे रहे हैं। अब हम एक पैन को गरम करके उसमें जो है खोया, जिसे हम मावा भी बोलते हैं, उसको डाल के थोड़ा सा 2-3 मिनट तक गरम कर लेंगे, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए और ये अच्छे से ड्राई हो जाए। ये खोया हमने पहले से ही तैयार करके फ्रिज में रख लिया था, यहाँ पर इसीलिए हम फ्रिज से निकाले हैं और स्वीट बनाने के लिए। खोया बनाने की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, तो अगर आप देखना चाहें तो लिंक को प्रेस करके देख सकते हैं। खोया हमारा गाढ़ा हो गया है, अब हम इसे फ्लेम से हटा के ठंडा होने रख देंगे। अब हम लौकी को देख लेते हैं। इस समय करीब 7 मिनट्स हो चुके हैं, लौकी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम चेक कर लेते हैं कि लौकी पक गई कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से पक गई है ये। अब हम
सारी रिंग्स को एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे, आराम से निकालेंगे ताकि रिंग्स टूटे नहीं। अब सारी रिंग्स को हम चाशनी में डाल देंगे। और चाशनी में हम एक उबाल आने देंगे मीडियम फ्लेम पर। चाशनी में एक उबाल आ गया है, अब हम फ्लेम को ऑफ करके इस पर लिड लगा के इसे आधे घंटे के लिए यूं ही छोड़ देंगे। अब जो हमने खोया रखा था गरम करके, उसमें हम 2 चम्मच नारियल का बूरा या फिर ग्रेट किया हुआ नारियल, मैंने यहाँ पे खुद से ग्रेट किया हुआ नारियल 2 स्पून डाला है सूखे नारियल को, 1/4 स्पून इलायची पाउडर है, दालचीनी है, ग्रेट किए हुए बादाम है और 2 चम्मच मिल्क पाउडर है। आप मिल्क पाउडर की जगह पिसा हुआ चीनी या फिर शुगर पाउडर भी जिसे हम बोलते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, बिल्कुल डो की तरह हमें इसे तैयार करना है। ये देखिए ये काफी हद तक मिक्स हो चुका है, आप चाहें तो हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं ताकि जो हमने मिल्क पाउडर या शुगर पाउडर जो यूज किया था वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसकी मिठास सब में मिक्स हो सके। ये हमारा खोया बिल्कुल रेडी हो गया है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम चाशनी में डली हुई लौकी की तरफ चलते हैं। ये देखिए अब इनको हम आधे घंटे हो चुके हैं हमारे, अब इन्हें हम निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे ताकि इनकी फिलिंग की जा सके। ये रिंग सारी हमने एक प्लेट में निकाल दी है, अब हम इनकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग हमें बहुत ध्यान से करनी है ताकि सारे एरिया में अच्छे से फिल हो सके। फिलिंग हमें बहुत ही ध्यान से करना है ताकि ये फटे ना, रिंग्स जो है प्रॉपर बनी रहे। अब हम इन फिलर्स को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, उसके लिए आप पिस्ता, बादाम, काजू, केसर कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बादाम और चिरौंजी यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरी ये लौकी की मिठाइयाँ बन के बिल्कुल रेडी हैं सर्विंग के लिए। ये स्वीट बहुत ही यमी और टेस्टी लग रहे हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी वीडियो को देखें, उन्हें लाइक और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। इस मिठाई में यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमने लौकी ली है 500 ग्राम, खोया या मावा 250 ग्राम, मिल्क पाउडर या फिर शुगर पाउडर 2 से 3 टेबलस्पून, इलायची पाउडर 1/2 टेबलस्पून, चीनी 1 कप, ड्राई फ्रूट अपने अंदाजे से 15-20 नट्स, जिसमें आप काजू, पिस्ता, बादाम और चिरौंजी वगैरह यूज कर सकते हैं, और ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल 2 से 3 चम्मच, फूड कलर जो कि ऑप्शनल है उसकी जगह पे आप बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।